आप देख रहे हैं भारत की रफ्तार 24। जनपद हापुड़ के रेलवे रोड स्थित मोहल्ला रामगंज में एफसीआई के खुले पड़े अनाज टैंक में गिरे गौवंश को बचाया। गौवंश के गिरने की सूचना जैसे ही कांग्रेस नेता विक्की शर्मा को फोन पर मिली, वे अपनी टीम के लोगों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। विक्की शर्मा ने तुरंत जेसीबी को सूचित किया। जेसीबी मौके पर घटना स्थल पर अनाज टैंक में फंसे गौवंश को बाहर निकालने के लिए पहुंच गई। विक्की शर्मा अपनी जान की परवाह किए बिना अनाज टैंक में घुस गए और रस्सी के सहारे गौवंश को बाहर निकालने की कोशिश की। जेसीबी की मदद से गौवंश को रस्सी के सहारे बांधकर कड़ी मशक्कत कर अनाज टैंक से बाहर निकाला जा सका। घटना रात करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है। रामगंज के लोगों ने बताया कि अनाज टैंक में फंसे गौवंश को बाहर निकालने के लिए मोहल्ले के लोगों ने नगरपालिका परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों को फोन लगाया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। तब जाकर आखिर में विक्की शर्मा को सूचित किया और गौवंश को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला जा सका। मोहल्ले वासियों ने इसके लिए विक्की शर्मा के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनका धन्यवाद किया है। विक्की शर्मा ने कहा है कि शहर में लगातार गौवंशों के खुले नालों, गड्ढों और तो और अनाज के खुले टैंकर में गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसका मुख्य कारण सिर्फ नगरपालिका परिषद की शहर में मुख्य समस्याओं के प्रति उनकी अनदेखी है। शहर में इसे पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी है, लेकिन नगरपालिका परिषद की आंखें नहीं खुल रही है। उन्होंने शहर के तथाकथित गौभक्तों पर भी तीखी टिप्पणियां कर तंज कसते हुए कहा है कि शहर में कुछ लोग अपने आप को गौभक्त कहते हैं, लेकिन जब कोई गौवंश किसी नाले या गड्ढे में गिर जाता है तब वे लोग कहां चले जाते हैं। उन्होंने कहा है कि शहर की कई गौशालाओं में गौमाता की सेवा के लिए अनेकों पदाधिकारी मौजूद है। शिव कुमार रावत की रिपोर्ट। मदन भैया और हम जो रोज घूमते हैं तो भैया के पास फोन आया, मदन भैया के पास ऐसे रामगंज के अंदर जो पीछे सरकारी खत्ती बनी हुई है उसमें गाय गिर गई है। जैसे हमें पता पड़ी, हमने देखा कि जो गड्ढा था बहुत छोटा था। फिर मंदिर भैया हमारे जेसीबी वाले हैं, हमने इन्हें फोन मारा, ये जेसीबी लेकर आए और जेसीबी की मदद से हम लोगों ने ये गाय को बाहर निकाला है। और इसमें जैसे हम यहाँ आए हैं तो हमें पता पड़ा इसमें कई बार कई आदमी भी गिर चुके हैं और चोटिले हो चुके हैं। जैसे कि ये भैया खड़े हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, इनके संग साथ वाले 2 आदमी गिरे हैं, मगर इस तरफ नगर पालिका का और शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। मैं शासन प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये खत्तियों को खत्म किया जाए, जिससे किसी को जान माल पर हमला ना हो सके। नहीं लगा, ये तो भगवान चंडी मैया की कृपा है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे गौ माता की सेवा करने का मौका मिलता है और ऐसी जगह पर मौका मिलता है जहाँ सब लोग पीछे हट जाते हैं। माँ गौ माता का आशीर्वाद, माँ चंडी का आशीर्वाद मेरे साथ होता है, इसलिए हमें कोई डर नहीं लगता और आगे भी कहीं हमारी जरूरत पड़ती रहेगी तो हम ये अपनी सेवा देते रहेंगे। मन में ऐसा कोई खौफ नहीं, हमें तो गौ माता की सेवा करनी है, किसी तरह वो बच जाए, तो गौ माता बच गई, हमारे को डर कोई नहीं इससे। ये बेजुबान जानवर कई बार इनके साथ हादसे ऐसे हुए हैं, हम और विक्की भैया ने कई बार इनका इस कार्यों में, विक्की भैया ने भी हमारा बहुत साथ दिया और वो हमेशा बेचारे इस कार्य को करते रहते हैं। और मैं तो लोगों से भी अपील करूंगा कि इस तरीके का अगर कोई हादसा हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके उसमें सही